बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इन दिनों पर्सनल लाइफ में काफी बुरे फेस से गुजर रही हैं। ऐसे में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और रिएक्ट किया है। इसके लिए शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहने वाली शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से इस प्लेटफॉर्म से भी दूरियां बना ली थी। शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार की रात अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक किताब से एक तस्वीर पोस्ट की। उनकी पोस्ट में जेम्स थर्बो के उद्धरण पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें लिखा है, गुस्से में पीछे मुड़कर ना देखें या डर से आगे ना देखें, बल्कि जागरूकता से देखें। इसमें आगे लिखा गया है, हम गुस्से में पीछे मुड़कर देखते हैं उन लोगों पर जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जो निराशाएं हमने महसूस की हैं, जो दुर्भाग्य हमने सहा है। हमें संभावना के डर से तत्पर रहते हैं कि हम अपनी नौकरी खो सकते हैं, किसी बीमारी का अनुबंध कर सकते हैं या किसी प्रियजन की मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। हमें जिस स्थान पर रहने की आवश्यकता है वो यही है। अभी जो रहा है या क्या हो सकता है उसे उत्सुकता से नहीं देख रहा है, बल्कि पूरी तरह से जागरूक है कि क्या है। उसमें आगे लिखा गया है, मैं एक गहरी सांस लेती हूँ ये जानने के लिए कि मैं जिंदा रहने के लिए भाग्यशाली हूँ। मैं अतीत में चुनौतियों का सामना कर चुकी हूँ और भविष्य में चुनौतियों से बचूंगी। आज मुझे अपना जीवन जीने से विचलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिल्पा ने किताब के इस अंश को शेयर करते हुए कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मौजूदा हालातों में साफ जाहिर हो रहा है कि शिल्पा कैसे खुद को संभाल रही हैं। आपको बता दें, राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को अश्लील वीडियो से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।